आप भी बहुत अच्छा करते हैं। बाद में सर आपका जो ये फौजी बेस है उससे भी मैं जुड़ गया था सर। हाँ सर, फौजी बेस से जुड़ा था मैं, और पहले से यूट्यूब से तो कनेक्ट रहते हैं ना शाम को 8 बजे वाले आप। क्या मतलब आपने जो फौजी बेस चलाई सर, वो फौजी बेस से मेरे को मतलब मैं पूरा 100% तैयार हो गया मैं, मतलब पेपर फौजी बेस से जुड़ा था मैं। आप ही से पढ़ा हूँ मैथ, मैंने आप ही से पढ़ा है। फौजी बैच सर आप लोग शुरू करवाए, बस पहला क्लास से हम उसी समय ज्वाइन हुए और फुल फोकस बस इसी पे था मेरा। फौजी बैच जिससे पढ़कर 20,000 से भी ज्यादा बच्चों ने बदली है अपनी किस्मत। SSC GD 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले फौजी बैच के साथ SSC मेकर की टीम एक बार फिर तैयार है 2023-24 में भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए। शानदार टीम और दमदार कंटेंट के दम पर इसी फौजी बैच ने बदली है 20,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी। तो अब है आपकी बारी, अब पाइए SSC GD 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला जादुई बैच फौजी बैच मात्र 399 रुपए में। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें SSC मेकर का फौजी बैच और करें SSC GD में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और SSC मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार SSC मेकर पे। सभी को गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह की राम राम, राधे राधे सभी प्यारे बच्चों को। उम्मीद करता हूं सारे प्यारे बच्चे मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आ रही होगी। ठीक है, हाँ। तो आज आपको पता है 31 दिसंबर है और साल का आखिरी दिन है। तो मेरे भाई जैसा भी आपका साल गुजरा है, चाहे मतलब कि अच्छा गुजरा बुरा गुजरा, वो कहते हैं ना कि जो समय बीत गया वो अच्छा ही होता है, तो इसको यही मानो कि अच्छा ही गया है। लेकिन इस साल से आपको ये सीखना है कि आपकी कमी क्या क्या रही है, कहाँ पे कमी रही है ना, क्योंकि इंसान वही है जो अपनी गलतियों से सीखता है मेरे भाई। ठीक है, अगले साल को बेहतर बनाना है। कल से जैसे 2024 शुरू हो जाएगा, तो कल से जो साल शुरू होगा ना उसको बेहतर बनाना है। 2023 में आप बेरोजगार रह गए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन 2024 में आपको रोजगार ले लेना है, बस ये सोचना है। ठीक है, 2024 में आपको सिलेक्शन ले लेना है। तो आज आखिरी दिन है, मिट्टी डाल दो यहां तक, ठीक है ना, जो भी आपके अंदर कमियां थी बुराइयां थी छोड़ दो। आज रात 12 बजे तक सारी कमियों को त्याग देना है। ठीक है, 12 बजे के बाद जैसे ही नया दिन शुरू होगा तो फिर नए जोश से उठना है सुबह सुबह कल। ठीक है, तो मेरे भाई अब मेहनत करनी है, ठीक है, 2024 में, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जैसा पहला दिन जाता है वैसा ही साल का हर एक दिन जाता है, शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, है ना, तभी तो अंत अच्छा होगा। तो इसलिए मेरे भाई मेहनत करनी शुरू कर दो, मेहनत करनी शुरू कर दो। ठीक है, चलिए, तो आज जो है ना, आज कुछ स्पेशल मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं मेरे भाई। आज जो SSC का CHSL का एग्जाम हुआ था 2022 के अंदर, जितने भी ईडियम्स पूछे गए थे, मैं वो लेके आया हूं भाई। ठीक है, तो ऐसे ही जब मतलब कि जैसे अभी तो 2022 के लेके आया, फिर 2023 में जितने भी पूछे गए CHSL में, ऐसे करके फिर वो लेके आऊंगा, फिर ईडियम के बाद वन वर्ड ले आऊंगा, फिर सिनोनिम ले आऊंगा, फिर एंटोनिम, है ना, फिर एरर, मतलब ऐसे स्पेशल क्लास भी बीच बीच में चलती रहेगी, ताकि आपको पता लगता रहेगा कि अच्छा CHSL 2022 में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, अच्छा CGL 2022 में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, मान लो MTS 2023 में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो साल वाइज और मेरे भाई टाइप वाइज, कहने का मतलब सिनोनिम अलग, एंटोनिम अलग, वन वर्ड अलग, ईडीएम अलग, एरर अलग, इंप्रूवमेंट अलग, ऐसे ऐसे करके अलग अलग लाएंगे। ठीक है, चलिए, जितने बच्चे एक बार जुड़ गए हैं सारे के सारे एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और एक बार शेयर कर देंगे। और मेरे भाई 50 क्वेश्चन इसके अंदर होने वाले हैं, 50 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को आपको करना है, एक बार नजरों में से निकाल लेना है। आई बात समझ में, एक बार नजरों में से निकाल लेना कि अच्छा ये ईडीएम आएगा तो इसका मीनिंग ये होगा, बस इतनी सी बात है। चलिए करें शुरू फिर, चलिए फिर शुरुआत करते हैं मेरे भाई। ये सारे CHSL 2022 में पूछे गए होंगे, ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखो ये लिख भी रखा है, idioms asked in CHSL 2022। चलो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन, चलो एक बार आंसर करने की कोशिश करो, शाबाश। क्वेश्चन नंबर वन का आंसर करने की कोशिश करेंगे, इन द सेम बोट का मतलब क्या होगा। आंसर करना है सभी बच्चों को मेरे भाई, आंसर जरूर करना है सभी बच्चों को, चाहे सही हो चाहे गलत हो वो चीज मैटर नहीं करती, लेकिन आंसर करना है। इन द सेम बोट का मतलब क्या होगा, सेम बोट का मतलब क्या होगा मेरे भाई, बताओ तो शाबाश। जिस बोट में मैं बैठा हूं उसी बोट में आप बैठे हो, इसका मतलब क्या है बताओ। जिस बोट में मैं बैठा हूं उसी बोट में आप बैठे हो, इसका मतलब क्या है।
अगर बोट डूबेगी तो मैं भी मरूंगा, आप भी मरोगे मेरे भाई। इसका मतलब जिस सिचुएशन में मैं हूं उसी सिचुएशन में आप हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज समवन एल्स। मेरे भाई जिस सिचुएशन में कोई और है उसी सिचुएशन हम भी है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। सभी बच्चों का बी आंसर आ रहा था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, कुछ idioms आपने पढ़े होंगे, डेली क्लास लेते हो तो उसके अंदर आपने पढ़े होंगे, कुछ idioms आपके लिए नए होंगे उनका आपको ध्यान रख लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, गियर अप फोर का मतलब क्या होता बताओ शाबाश, गियर अप फोर का मतलब क्या होता बताओ, गियर अप फोर का मतलब क्या होता बताओ तो शाबाश, गियर अप फोर का मतलब क्या होता है, जैसे बाइक वगैरह होती है, चलो एक बार आप लोग बताओ खुद से, एक बार खुद से बताओ, हो सकता है ये नया होगा आपके लिए, हो सकता है नया होगा, लेकिन मेरे भाई अगर नया है तो नोट कर लेना, बस नया है तो नोट कर लेना। चलो बताओ गियर अप फोर का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा बाइक हो गई, कार होगी, उसमें गियर होते हैं, गियर जिसको आप बोलते हैं ना गियर, तो वो डालते हो, तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई, गियर आपने डाला तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर वो गाड़ी चलेगी चलेगी, तो मेरे भाई शुरुआत हो गई है किसी चीज की, शुरुआत करना, किसी चीज की शुरुआत करना, तैयार रहना, तैयार रहना, गेट रेडी फॉर, गेट रेडी फॉर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, कॉल अपॉन का मतलब क्या होता बताओ शाबाश, कॉल अपॉन का मतलब क्या होता है, कॉल अपॉन का मतलब क्या होगा बताओ शाबाश, कॉल अपॉन, टू एडजस्ट, एडजस्ट करना, टू स्टॉप रोकना, टू फॉलो, फॉलो करना, या टू ऑर्डर किसी को ऑर्डर देना बताओ शाबाश, आंसर करना मेरे भाई। चलो शाबाश, देखो सीएचएसएल आने वाला है, पता है ना सीएचएसएल आने वाला है, सीजीएल और एमटीएस आने वाला है, का मतलब यह है कि आपके पास 5 से 7 महीने है, इनके अंदर ये सारे एग्जाम हो जाने हैं, 8 लगा लो बस, इस टाइम पीरियड में सारे एग्जाम हो जाने हैं, तो मेरे भाई अब तैयारी, इतना समय तो आपको चाहिए भी, अगर कोई एग्जाम की कोई बच्चा सीरियस होकर तैयारी करता नहीं तो इतना समय आपको चाहिए भी। ठीक है, चलो कॉल अपॉन का मतलब होता है मेरे भाई किसी को ऑर्डर देना, ध्यान देना, अगर नया क्वेश्चन नोट कर लेना, कॉल अपॉन का मतलब होता है किसी को ऑर्डर देना, किसी को कमांड देना, ठीक है ना, ऑर्डर या कमांड। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, अ स्नेक इन द ग्रास, अ स्नेक इन द ग्रास, एक सांप है वो ग्रास के अंदर है, वो घास के अंदर है, इसका मतलब क्या है बताओ शाबाश, एक सांप है मेरे भाई और वो ग्रास के अंदर है, वो घास के अंदर है, इसका मतलब क्या है बताओ शाबाश, आंसर करने की कोशिश करो। देखो पहला ऑप्शन है अ टिमिड पर्सन, टिमिड का मतलब होता है मेरे भाई डरपोक, डरपोक बोल सकते हो, टिमिड का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे, डरपोक जो डरता हो, ठीक है। अ डिसीटफुल का मतलब होता है धोखेबाज, धोखेबाज पर्सन। अ वेल्दी का मतलब पैसे वाला, टॉकेटिव का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बोलता, बताओ शाबाश क्या होगा बताओ। अब घास में एक सांप बैठा है मेरे भाई, तो ऐसा दुश्मन है वो जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो धोखे से वार करना, धोखे वाला, धोखे वाला, बी इज द करेक्ट आंसर, बी वाले सारे के सारे सीओ। चलो क्वेश्चन नंबर फाइव, हार्ड एंड फास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये बहुत बार आपने सुना भी होगा, अरे ये रूल तो हार्ड एंड फास्ट रूल है, सुना है ना, हार्ड एंड फास्ट रूल है, पक्का सुना होगा। चलो आंसर करो एक बार, क्या होगा, हार्ड एंड फास्ट का मतलब क्या होता है बताओ जल्दी से, हार्ड एंड फास्ट, स्ट्रिक्ट होगा, क्विक विटेड होगा, अर्जेंट होगा, या बैडली अफेक्टेड होगा बताओ तो शाबाश क्या होगा, बताने की कोशिश करो एक बार, आंसर करने की कोशिश करो सारे बच्चे, चलो आंसर करने की कोशिश करो बताओ, क्या स्ट्रिक्ट होगा, क्विक विटेड होगा, क्विक विटेड का मतलब होता है मेरे भाई तेज, देखो क्विक आ गया ना तेज, तो तेज तर्रार बताओ, हार्ड एंड फास्ट रूल होता है जो बहुत स्ट्रिक्ट रूल होता है मेरे भाई, जिसको आप तोड़ नहीं सकते, तोड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी, तोड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर छह, लेट डाउन का मतलब क्या होता है, लेट डाउन, लेट डाउन, बिल्कुल मेरे भाई बहुत सारे idioms ऐसे होंगे ना जिनका मीनिंग आपको नहीं पता है ना, तो थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओगे ना तो आंसर उसका मिल जाता है, कॉमन सेंस लगाने से आंसर मिल जाता है। चलो आंसर करो शाबाश, लेट डाउन का मतलब क्या होगा, टू हायर, हायर करना, टू केयर अबाउट, किसी की केयर करना, फेल हो जाना, या टू नर्स, बताओ शाबाश क्या होगा, लेट डाउन, मेरे भाई डाउन वर्ड खुद बता रहा है, डाउन का मतलब होता है नीचे, और नीचे क्या होता है, हार की जीत, ये बात बता दो, नीचे क्या होता है, सक्सेस या फेलियर, सिंपल सी बात है सर, नीचे तो फेलियर होता है, तो मेरे भाई सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सात, क्वेश्चन नंबर सात, गो टू द वॉल, गो टू द वॉल का मतलब बताओ क्या होता है,
बताओ स्पीड में करेंगे मेरे भाई, ये 50 के 50 ईडीएम आज स्पीड में करने वाले हैं, थोड़ा स्पीड टेस्ट हो जाएगा आपका, थोड़ी स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, आपको आदत सुधर जाएगी, ठीक है। गो टू द वॉल का मतलब क्या होता है बताओ, टू बिकम स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होना, टू ऑब्टेन प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन करना, टू फेल या टू स्टार्ट, बताओ शाबाश, गो टू द वॉल। अगर मैं आपको बोलूं कि दीवार को जाके धक्का लगा दो तो क्या मतलब है इसका, अगर मैं आपको बोलूं कि दीवार को जाके धक्का लगा दो, लगा पाओगे, फेल हो जाओगे ना, तो मेरे भाई गो टू द वॉल का मतलब होता फेल हो जाना, फेल हो जाना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नॉकडाउन का मतलब क्या होता है, ये तो सुना भी होगा आपने, ये तो आपने सुना भी होगा, नॉकडाउन का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ। टू रीडू, री का मतलब होता है दोबारा करना, टू एक्सेप्ट किसी चीज को स्वीकार करना, टू सक्सीड कामयाब होना, या टू डेमोलिश, डेमोलिश का मतलब होता है मिटा देना, बर्बाद कर देना, बताओ शाबाश क्या होगा, नॉकडाउन का मतलब क्या होता है बताओ शाबाश, बताओ 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 शाबाश, बहुत बढ़िया बताओ, नॉकडाउन का मतलब बिल्कुल सही जवाब, टू डेमोलिश कर देना, डेमोलिश कर देना, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। चलो और आपको देखना 50 में से आप लोगों का स्कोर क्या रहा, उसमें आपको यह पता चलेगा कि कितने ईडीएम आपको आते हैं और कितने आपको नहीं आते हैं, जो नए हैं उनको नोट कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 9, ईट लाइक अ हॉर्स, एक घोड़े के जैसे खाना, इसका मतलब क्या है, जैसे घोड़ा बहुत ज्यादा खाता है ना, आपने देखा है घोड़ा वो बहुत ज्यादा खाता है, तो उसके जैसे खाना इसका मतलब क्या है बताओ शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करो, ईट लाइक अ हॉर्स, एक घोड़े के जैसे खाना, इसका मतलब क्या है बताओ शाबाश, ईट लाइक अ हॉर्स, एक घोड़े के जैसे खाना बताओ, ईट अ लॉट ऑफ फूड, बहुत ज्यादा खाना, ईट मेकिंग साउंड, मेरे भाई खाते खाते आवाज करना, डिसलाइक फूड, फूड को पसंद ना करना, या ईट फूड वाइल रनिंग, या दौड़ते दौड़ते खाना खाना, बताओ, सिंपल सा जवाब है सर, ए इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, सबका ही सही आ रहा है, बहुत बढ़िया, हाँ शाबाश। तो ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब होता है ईट अ लॉट ऑफ फूड, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में खाना खाना। चलो क्वेश्चन नंबर 10, बीट अराउंड द बश, बताओ शाबाश क्या होगा, बीट अराउंड द बश का मतलब क्या होता बता दो एक बार जरा, चलो आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 10, बीट अराउंड द बस, आपने सुना होगा इधर उधर की बातें करना, इधर उधर की बातें करना, इसका हिंदी में मतलब होता है प्यारे बच्चे इधर उधर की बातें करना, अब बताओ इसका मीनिंग क्या होगा जल्दी बताओ शाबाश, गलत मत कर देना मेरे भाई, जो आसान लगे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आंसर अपने आप पता चल जाएगा। चलो आंसर करो, बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है, टू डिस्कस माइन्यूट डिटेल्स फॉर समथिंग, मेरे भाई छोटी सी बात को डिस्कस करना, या टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान से, टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, मेरे भाई उस चीज को अवॉइड करना, उस चीज के बारे में बात ना करना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टू सर्च फॉर अ लॉस्ट थिंग इन, मेरे भाई कोई खोई हुई वस्तु के बारे में तलाश करना, ये तो सिंपल सा जवाब है, सिंपल सा जवाब है, बी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ, रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या होता है बताओ शाबाश, रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या होगा फटाफट से बताओ, रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या होगा, लाइनों के बीच में से पढ़ना, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका, लाइनों के बीच में से पढ़ना, रीड बिटवीन द लाइंस, जैसे एक पैराग्राफ है ये ही लाइन है मान लो, लाइनों के बीच में से पढ़ना, इसका मतलब क्या है, बी अफ्रेड ऑफ डूइंग समथिंग अगेन, किसी काम को दोबारा करने से डरना नहीं भैया, हार्म समवन हु ट्रस्ट यू, मेरे भाई जो आप पे विश्वास करता है उसका विश्वास तोड़ना, हर्ट करना उसको नहीं, स्पीक द ट्रूथ इवन इफ इट इज अनप्लीजेंट, मेरे भाई सच बोलना चाहे बेशक ये अनप्लीजेंट है, मेरे प्यारे बच्चे रीड बिटवीन द लाइंस होता है, बहुत सारे बंदे आपने देखे होंगे पैराग्राफ दे दो उसको तुरंत मीनिंग बता देंगे ऐसे ऐसे करके, तो वो रीड बिटवीन द लाइंस होता है, अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज नॉट सेड आउटराइट, मेरे भाई उसका मीनिंग समझ लेना, तुरंत मीनिंग समझ लेना, डी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 12, अ किक इन द टीथ, मेरे भाई दांत जो होते हैं ना, टीथ जो होते हैं, उस पे एक लात मार दी, किक मार दी, इसका मतलब क्या जल्दी बताओ, दांतों पे एक किक मार दी, इसका मतलब क्या बताओ शाबाश, इसका मतलब क्या होगा, ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट होगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ ए टूथ होगा, क्या दांत निकालना, काटा मारो, क्या दांत में दर्द, नहीं भैया, एल्कोहल कंजम्पशन, दारू पीना, नहीं भैया, ए इज द करेक्ट आंसर, ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, है ना भाई, आपके दांतों पे अगर कोई मुक्का मार दे या लात मार दे, घुसा मार दे, तो क्या होगा, डिसअपॉइंटमेंट होगा ना। चलो
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, लायंस शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर का हिस्सा, लायंस शेयर, शेयर का हिस्सा, बताओ शाबाश क्या होगा इसका मतलब? कॉमन सेंस लगाओ, आंसर पाओ, चलो करो आंसर। लायंस शेयर, शेर का हिस्सा। एक बात बताओ, जंगल में आपने देखा होगा शेर भी रहता है, लोमड़ी भी रहती है, तरह तरह के प्राणी रहते हैं, है ना? तो मेरे भाई सबसे ज्यादा हिस्सा किसका होता है जंगल में, बताओ? शेर जहां मर्जी चाहता है ना, जहां पे उसका मन करता वहां चला जाता है, तो इसका मतलब जंगल में सबसे ज्यादा हिस्सा किसका? शेर का। तो यानी कि लार्जेस्ट शेर हो जाएगा, लार्जेस्ट शेर हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, गेट द एक्स का मतलब क्या होता है? गेट द एक्स, वैसे तो एक्स का मतलब कुल्हाड़ी होता है, लेकिन यहां पर बताओ इसका मीनिंग क्या होगा? गेट द एक्स का मतलब क्या होगा, बताओ शाबाश? कोई प्रेशर भरी जॉब, बर्डन जॉब, यानी कि प्रेशर भरी जॉब, ठीक है? लूज द जॉब, कोई जॉब आपने लूज कर दी, रिलैक्स जॉब या गेट द जॉब, बताओ? कई ईडियम आपको ऐसे मिलेंगे ना जो मतलब कि इलॉजिकल, जो जो ईडियम में जो वर्ड यूज होंगे ना उनसे कोई लॉजिक ही नहीं बैठेगा। जैसे इसका मतलब, एक्स का मतलब यहां पे कुल्हाड़ी होता है, अब गेट द जॉब आपने देखा कि कुल्हाड़ी पाना, अगर ऐसे मीनिंग निकालोगे ना कि कुल्हाड़ी प्राप्त करना, तो इसका मतलब कुल्हाड़ी मिल गई होगी तो भैया उसको जॉब मिल गई होगी, और ऐसे ही गलत हो जाएगा, ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो कुछ ईडियम्स ऐसे होते हैं मेरे भाई जिनका मीनिंग अलग होता है बिल्कुल। गेट द एक्स का मतलब होता है टू लूज जॉब, अपनी नौकरी गवा देना, नौकरी गवा देना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पुल द प्लग का मतलब क्या होता है? पुल द प्लग का मतलब क्या होता है, बताओ शाबाश? क्वेश्चन नंबर 15, पुल द प्लग, बताओ शाबाश क्या होगा इसका मतलब? पुल द प्लग, बताओ? जैसे पुल द प्लग, बताओ शाबाश क्या होगा? जैसे मान लो एक कंप्यूटर चल रहा है, यहां पे सारा सिस्टम चल रहा है भाई, स्मार्ट बोर्ड चल रहा है, कैमरा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। मान लो मैं कंप्यूटर का प्लग निकाल दूं, कंप्यूटर का जो पावर प्लग है उसको मैं निकाल दूं, क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा? खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा, है ना? तो इसका मतलब क्या है? एंड समथिंग, अगर किसी चीज को खत्म करना है मेरे भाई, अगर किसी चीज को खत्म करना है तो उसका प्लग निकाल दो, प्लग निकाल दो। चलो क्वेश्चन नंबर 16, एट लॉगर हेड्स, मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। एट लॉगर हेड्स का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ? एट लॉगर हेड्स, जिसके सिर हमेशा सिर से सिर भिड़ाना, इसका मतलब क्या है मेरे भाई, बताओ? बताओ, एट लॉगर हेड्स, बताओ? जिन दोनों के, इंसानों के, जैसे बैल होते ना, सांड देखे हैं, सांड वो जब लड़ते हैं तो सिर टच करते हैं मेरे भाई, सिर से सिर ऐसे ऐसे करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? क्या किसी की एब्सेंस, मर्सी, दया, डिसएग्रीइंग विद, इसका मतलब क्या है भैया? उससे मेल नहीं खाता, उससे मेल नहीं खाता, हम उससे डिसएग्री, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, जरूर याद करना। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, बैक आउट का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ? बैक आउट का मतलब क्या होता है? बैक आउट का मतलब, आउट का मतलब बाहर, बैक का मतलब पीछे, बताओ शाबाश क्या मतलब होगा? दिमाग लगाओ, दौड़ाओ, आंसर करो शाबाश, आंसर करो। बैक आउट का मतलब क्या होगा? टू स्टैंड आउट, खड़े होना, या टू मूव बैकवर्ड्स, पीछे हटना, या टू विदड्रॉ फ्रॉम, या कहीं से कोई चीज निकालना, या टू पुल ओवर, बताओ शाबाश क्या होगा? बताओ बताओ, बैक आउट का मतलब क्या होता है? हमने जैसे कोई चीज दी थी वो हमने वापस ले ली, कोई चीज दी थी हमने वो वापस ले ली, वापस लेने को विदड्रॉ बोलते हैं मेरे भाई, क्या बोलते हैं? विदड्रॉ बोलते हैं। टू विदड्रॉ फ्रॉम होगा, टू विदड्रॉ फ्रॉम, किसी से कोई चीज वापस ले लेना, निकाल लेना, विदड्रॉ करना होता, आई बात समझ में? चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस, मेरे भाई एप्पल्स का मतलब सेब और ऑरेंज का मतलब संतरा, सेब की तुलना, सेब का कंपैरिजन मैंने संतरा से कर दिया, क्या मतलब है इसका बताओ? सेब की तुलना संतरा से करना, इसका मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन ऑफ प्रोटीन्स, क्या मैं प्रोटीन कैलकुलेट कर रहा हूं कि भैया सेब में कितना प्रोटीन है, ऑरेंज में कितना प्रोटीन है, क्या मैं प्रोटीन कैलकुलेट कर रहा हूं? नहीं भैया। तो अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि कंपैरिजन बिटवीन टू काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, दो अलग अलग फ्रूट्स के प्रकार के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूं, या टू हैव अ हेल्थ इश्यू होना, या अनइक्वल कंपैरिजन, मेरे भाई एप्पल अलग है, ऑरेंज अलग है, एप्पल की तुलना एप्पल से करो, ऑरेंज की तुलना ऑरेंज से करो, अनइक्वल कंपैरिजन मेरे भाई, एप्पल के फायदे अलग है, ऑरेंज के फायदे अलग है, आई बात समझे? तो इसको अनइक्वल कंपैरिजन बोला जाता, अनइक्वल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सम एंड सबस्टांस का मतलब क्या होता है, बताओ? सम एंड सबस्टांस का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ शाबाश, और बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ शाबाश। सम एंड सबस्टांस,
बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बताओ सम एंड सबस्टांस का मतलब क्या होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट इडियम है ये सम एंड सबस्टांस। बताओ जैसे आपने सुना होगा किसी बात पर मुद्दा छिड़ रहा होगा, मान लो कोई भी टॉपिक डिस्कस हो रहा होगा, तो ऐसे कहते हैं कि इसका सम एंड सबस्टांस है ये, इसका मतलब क्या है बताओ। शाबाश, हिंट मैंने आप लोगों को दे दी है, अब देखना चाह रहा हूं अब बता पाओगे। सम एंड सबस्टांस एसेंस होगा। अच्छा मैं बता दे रहा हूं कि एसेंस का मतलब क्या होता है। एसेंस का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एसेंस का मतलब होता है प्यारे बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हो, ठीक है। डिफिकल्टी, डेलिब्रेशन, असेसमेंट, ये सारी बताइए। बताओ शाबाश, सब एंड सबस्टांस का मतलब होता है मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि किसी चीज का महत्वपूर्ण हिस्सा, महत्वपूर्ण हिस्सा। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, अंडर ड्योर्स का मतलब क्या होता है बताओ शाबाश। ये शायद मैंने करवा भी रखा प्रैक्टिस सेट में। अंडर ड्योर्स का मतलब क्या होता है बताओ शाबाश। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। अंडर ड्योर्स का मतलब क्या होता है बताओ शाबाश। अंडर प्रेशर होना, अंडर शेल्टर होना, अंडर कंफ्यूजन होना या अंडर स्पोर्ट होना, बताओ शाबाश। अंडर ड्योर्स का मतलब क्या होता है बताओ। देखो मेरे भाई, ड्यू जो होता है ना, ड्यू, ड्यू का मतलब होता है मेरे भाई, ड्यू का मतलब बकाया होता है। और बकाया चीज का क्या होता है, आप पे प्रेशर होता है, सिंपल सी बात है ना। बकाया का क्या होता है, प्रेशर होता है। तो अंडर ड्योर्स वैसे रिलेट कर सकते हो थोड़ा इसको। अंडर ड्योर्स का मतलब अंडर प्रेशर। ए वाले सारे के सारे सही हो, जिन्होंने भी ए आंसर किया है, ए आंसर जो करे सारे के सारे सही हो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। एप्पल ऑफ वंस आई, आंखों का तारा मेरे भाई। यहां पे तारा नहीं है, आंखों का ये तो सेब है मेरे भाई, बाकी बात वही है। आंखों का तारा बहुत प्यारा, नहीं सुना आपने, तो यहां पे आंखों का तारा नहीं, कह रहा एप्पल ऑफ वंस आई, किसी की आंखों का सेब। ये क्या है, किसी की आंखों का सेब, बताओ शाबाश। सेब अच्छा होता ना, तो आंखों का सेब भी अच्छा, आंखों का तारा भी अच्छा, क्या दिक्कत है बताओ। वेरी डियर, वेरी हार्मफुल, वेरी यूजफुल या वेरी फार, बताओ शाबाश, बताओ बताओ। बहुत प्यारा, इसका भी मीनिंग क्या होगा, बहुत प्यारा होगा, बहुत प्यारा यानी कि वेरी डियर, बहुत प्यारा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। मिस द बोट, मिस द बोट, जो बोट थी, जो किश्ती थी, जो नाव थी, वो आपने मिस कर दी, इसका मतलब क्या है। आपको नदी में इस किनारे से उस किनारे जाना था और बोट जो थी, एक ही बोट थी, वो आपने मिस कर दी, इसका मतलब क्या है बताओ। क्या गवा दिया आपने मेरे भाई, बताओ। क्या किसी इंसान को गवा दिया, क्या किसी इंसान को मिस कर रहे हो, क्या क्या जिंदगी के किसी गोल को मिस कर रहे हो क्या मेरे भाई। आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, एक अवसर आपने गवा दिया, एक अवसर आपने गवा दिया। आई बात समझ में, हाँ ठीक है ना। चलो और सेशन को लाइक जरूर कर देना भाई, लाइक शेयर जरूर करते रहा करो, लाइक कर देंगे एक बार सारे बच्चे जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ऑन क्लाउड 9 का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। ऑन क्लाउड 9 का मतलब क्या होगा बताओ शाबाश। ऑन क्लाउड 9 मेरे भाई, जहां पे बादलों की बात आएगी ना, जहां पे बादलों की बात आएगी वहां पे तो आपको पता चल जाएगा ना क्या होता है, बताओ शाबाश। वो घर पे कहते हैं ना कि आसमान सिर पे उठा रखा है, बताओ बताओ शाबाश। गुड नंबर, अच्छे नंबर होना या एरोप्लेन से ट्रेवल करना, मेरे भाई ये तो इलॉजिकल है, कोई मतलब ही नहीं बैठ रहा। बहुत ज्यादा खुश होना या बहुत ज्यादा बारिश होना, बताओ मेरे भाई। बहुत ज्यादा खुश होना, बहुत ज्यादा खुश होना, जब ही तो हम आसमान सिर पे उठा लेते हैं, जब ही तो हम आसमान सिर पे उठा लेते हैं, बहुत ज्यादा खुश होना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। पुल अ लॉन्ग फेस, पुल अ लॉन्ग फेस, इसका मतलब क्या है बताओ शाबाश। पुल अ लॉन्ग फेस बताओ शाबाश। बिल्कुल आसान है मेरे भाई, इसका हिंट मैं बता दूंगा, याद करने का तरीका बता दूंगा, एक बार खुद से कोशिश करो। पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब क्या होता, करो कोशिश, देख रहा हूं मैं शाबाश। इधर उधर की बात नहीं करेगा कोई भी भाई, बस पढ़ाई पे ध्यान दो। वो कहते हैं ना, पूरा साल निकाल दिया ना, ऐसे ही ऐसे निकाल दिया ना, आगे भी ऐसे निकालना है क्या, नाकामयाबी का टैग चाहिए। थोड़ा सा जज करना आज, आज जब शाम होगी खाना वाना खा के सोने से पहले एक बार थोड़ा सा जज जरूर करना कि आपने इस साल क्या क्या पाना चाहते थे, कहने का मतलब क्या है, क्या क्या आपके पास होना चाहिए था और वो उनमें से क्या क्या आपके पास नहीं है, एक लिस्ट तैयार करना मेरे कहने से एक बार आज, आज रात को सोने से पहले, आज की ही तारीख, क्योंकि आज 31 दिसंबर आखिरी दिन है मेरे भाई, आज ही के दिन बस सोने से पहले आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है कि 2023 में मुझे क्या क्या मिलना चाहिए था,
2023 में मुझे क्या क्या मिलना चाहिए था, फिर पहले तो वो लिस्ट बनाना, फिर उसमें लिखना क्या क्या मिला उसमें टिक लगा दो, जो नहीं मिला काटा लगा दो, जो नहीं मिला काटा लगा दो, और फिर टारगेट रखना मेरे भाई, फिर टारगेट रखना, फिर अगली एक लिस्ट तैयार करना, उस लिस्ट में लिखना, ये सच्चाई बता रहा भाई मेरे भाई, ऐसा करोगे तो सही रहोगे, फिर एक लिस्ट बनाना कि साल 2024 में आपको क्या क्या पाना ही पाना है, ठीक है, और फिर मेरे भाई उसी जोरों शोरों से फिर मेहनत करना जो आपने सोच लिया कि ये पाना, ठीक है। देखो भाई, आपने सुना होगा कि घर में कोई उदास होता, मान लो किसी के साथ कोई ट्रेजिडी हो गई, उदास है, कॉलेज में किसी ने टीचर ने डांट दिया, स्कूल में डांट दिया, मार दिया, धमका दिया, तो मेरे भाई घर पे जब आप जाते हो तो घर वाले नहीं बोलते हैं कि मुंह क्यों लटका रखा है, ऐसे सुना कभी कि आपने चेहरा लटका क्यों रखा है, लटकाना मतलब लंबा हो गया, इसका मतलब क्या, वो उदास है मेरे भाई, उदास है, टू लुक सैड बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, बेड ऑफ रोजेज, मेरे भाई रोजेज का बेड है, बताओ शाबाश, रोजेज का बेड है, जल्दी बताओ क्या होगा इसका मतलब, इसका मतलब क्या है, एक अगर मैं आपके सामने एक बिस्तर लगा दूं और उस बिस्तर पे फूल बिछा दूं तो इसका मतलब क्या है, कैसा लगेगा आपको, बताओ शाबाश, अगर आपके सामने एक बिस्तर लगा दिया जाए और उसके ऊपर फूल बना दिए जाए, बना क्या दिए जाए, बिछा दिए जाए, कोई रोज होगा, कोई गुलाब का होगा मेरे भाई, कोई गेंदा का होगा, कोई फलाना ढिमकाना, 70 तरीके के फूल बिछा दूं, इसका मतलब क्या है, कैसा लगेगा, फिर खुशी होगी कि दुख होगा, हाँ बताओ, क्या किसी ट्राइंग कंडीशन में होगे, नहीं भैया, क्या इनएक्टिव होगे उस टाइम पे, बताओ इनएक्टिव कहां होगे, पूरे एक्टिव होगे, ये भी काटा मारो, क्या टेस्टिंग कंडीशन चलेगी, नहीं भैया, प्लेजर कंडीशन, प्लीजेंट कंडीशन ऑफ लाइफ, जिंदगी की मतलब की खुशनुमा जिंदगी होगी, जब तो प्लीजेंट कंडीशन होगी, फूल तो अच्छे होते हैं मेरे भाई, फूल तो अच्छे होते हैं, लेकिन एक होता है बेड ऑफ थ्रोन्स मेरे भाई, एक होता है बेड ऑफ थ्रोन्स, अगर आपके बिस्तर पे फूलों की बजाय मैं कांटे बिछा दूं, अब क्या होगा, अब इसका मतलब आपकी जो है ना जिंदगी थोड़े से दुखों से चल रही है, ठीक है, तो ध्यान रखना फूल और कांटे का यही फर्क होता है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, हिट द बुक्स का मतलब क्या है, हिट द बुक्स का मतलब क्या होता, बताओ शाबाश, किताबों को हिट करना इसका मतलब क्या है, किताबों को हिट करना इसका मतलब क्या है, बताओ शाबाश, इसका मतलब क्या है, हिट द बुक्स, शाबाश, मैं आपको एक लाइन बोलता हूं, इफ यू वॉन्ट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ देन यू हैव टू हिट द बुक्स, इसका मतलब क्या है, बताओ शाबाश, मैंने हिंट आपको दे दिया है, अगर सफलता पाना चाहते हो जिंदगी में देन यू हैव टू हिट द बुक्स, इसका मतलब क्या है, तो तुम्हें बुक्स को हिट करना होगा, इसका मतलब क्या है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, टू स्टडी वेरी हार्ड, टू स्टडी वेरी हार्ड। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, अ पीस ऑफ केक, बताओ शाबाश इसका मतलब क्या होगा, अ पीस ऑफ केक, बताओ शाबाश क्या होगा इसका मतलब, बताओ बताओ जल्दी से, अ पीस ऑफ केक, मान लो मैं आपको एक केक का टुकड़ा खाने को बोलूं तो बताओ कैसा रहेगा, आराम से खा लोगे, कोई दिक्कत परेशानी, केक का टुकड़ा मैं दे दूं और मैं कहूं कि खा के दिखाओ, इसको चबा के दिखाओ, चबा लोगे ना, बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी सर, ये तो बहुत आराम सा काम होगा, बहुत आसान काम होगा हमारे लिए, बहुत आसान काम होगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, क्रोकोडाइल टीयर्स, चलो आंसर करो, क्रोकोडाइल टीयर्स, आज स्पीड में चल रहे ना, तो यही स्पीड मेरे भाई चाहिए ताकि कल नए साल पे जब नई सुबह होगी तो थोड़ा स्पीड में ही उठोगे, ठीक है, और कल सुबह जल्दी उठना, और सुबह से कल से प्रण ले लो, कल से प्रण ले लो मेरे भाई, आज ही से प्रण तो आज ही लेना है, और कल से ये चीज अप्लाई भी करनी है कि मेरे भाई कल से सुबह 9 बजे वाली क्लास मिस नहीं करूंगा सर, क्योंकि 2024 में CHSL आ रहा है, CGL है और MTS मेरे भाई, इनमें से एक जॉब मैं लेके रहूंगा, बस सिंपल सी बात है, ठीक है, जो भी आपका टारगेट है, ठीक है ना। क्रोकोडाइल टीयर्स मेरे भाई, मगरमच्छ के आंसू, मगरमच्छ के आंसू, मगरमच्छ के आंसू का मतलब क्या होता है, दिखावा करना, ढोंग करना, ढोंग करना है ना, दुख वास्तव में है नहीं और वैसे ढोंग किए जा रहा, तो इसका मतलब क्या है, प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड का मतलब दिखावा करना, प्रिटेंडेड शो ऑफ सोरो मेरे भाई, दुख का दिखावा करना, क्या कोई मगरमच्छ के लिए रो रहा है क्या, क्रूअल प्रेजेंटेशन है क्या, सिंसियर एक्सप्रेशन है क्या मेरे भाई, प्रिटेंडिंग, प्रिटेंडिंग, प्रिटेंडिंग का मतलब होता है दिखावा करना, दिखावा करना। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, इट्स ऑल ग्रीक टू मी, क्वेश्चन नंबर 29, इट्स ऑल ग्रीक टू मी, सारा का सारा ग्रीक है ये तो मेरे लिए भाई, सारा का सारा ग्रीक है ये तो मेरे लिए, इसका मतलब क्या, बताओ शाबाश,
इट्स ऑल ग्रीक टू मी, सारा का सारा जो है ना ये मेरे लिए ग्रीक है। बताओ शाबाश क्या होगा, करो आंसर शाबाश। इट्स ऑल ग्रीक टू मी, करो करो शाबाश। देखो जैसे भाई हिंदी लैंग्वेज आपको आती है, इंग्लिश आपको थोड़ी बहुत थोड़ी जानी पहचानी लगती है, मान लो आपकी लोकल लैंग्वेज जानी पहचानी लगती है, लेकिन मेरे भाई ग्रीक आपको कोई जानी पहचानी लगती है नहीं ना, तो मेरे भाई इसका मतलब आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। बताओ अब क्या आएगा। आई एम अवेयर, अवेयर तो हुई नहीं मेरे भाई। आई नो दिस सब्जेक्ट, नहीं जानता। आई कैन अंडरस्टैंड, नहीं भैया। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ ही नहीं सकता, मैं समझ ही नहीं सकता। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी का मतलब क्या होता बताओ। व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी का मतलब क्या बताओ शाबाश। व्हाइट एलिफेंट सफेद हाथी का मतलब क्या है। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो, क्वेश्चन नंबर 30। व्हाइट एलिफेंट सफेद हाथी का मतलब क्या है। मान लो आपके घर में जैसे कईयों को शौक होते ना सफेद चूहा पालने का, वो चूहा कोई काम आता है कोई काम नहीं आता, और ऐसे ही सफेद हाथी का किसी को शौक होगा है ना कि सफेद हाथी लाऊं, तो मेरे भाई जो चीज औरों से हटके होती है पहली बात तो वो महंगी मिलेगी, ठीक है। एक तो नॉर्मल चूहा जो होता है ना हमारे घरों में जो वैसे ही घूमता रहता है उसको कोई पसंद नहीं करता, इसलिए वो सस्ता, सस्ता क्या मैं कह रहा हूं मेरे भाई, उसकी तो कीमत ही नहीं है, लेकिन सफेद चूहे की कीमत है क्योंकि ये बहुत कम है। ऐसे ही जो नॉर्मल हाथी है उसकी कीमत कम है और मेरे भाई सफेद हाथी की कीमत ज्यादा है, तो सफेद हाथी की कीमत तो ज्यादा है लेकिन हाथी भी तो वही है तो हाथी। इसका मतलब क्या मेरे भाई, कोई काम का है वो, काम का नहीं है, इसका मतलब महंगा है लेकिन यूजलेस है मेरे भाई, महंगा है यूजलेस है, कोई काम का नहीं। चलो अब ध्यान से सुनो, 30 क्वेश्चन हो गए हैं, अगले 20 भी करने मेरे भाई, 50 क्वेश्चन में से निकलना, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। टू पुट समवंस बैकअप, टू पुट समवंस बैकअप, ये हो सकता है नया होगा आपके लिए, चलो नोट कर लेना कोई बात नहीं। बताओ शाबाश, टू पुट समवंस बैकअप का मतलब क्या होगा, जल्दी से बताओ। टू पुट समवंस बैकअप का मतलब क्या होगा बताओ शाबाश। ये थोड़ा सा हटके होगा, हालांकि मैं देखना चाह रहा हूं कि बच्चे जवाब दे पाएंगे कि नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा हटके है, चलो फिर भी आंसर करने की कोशिश करो। टू पुट समवंस बैकअप का मतलब क्या होगा, टू फ्लैटर समवन होगा, टू इरिटेट समवन होगा, टू हेल्प समवन होगा, या टू डिसीव समवन होगा, बताओ शाबाश क्या होगा। टू पुट समवंस बैकअप, करो करो आंसर शाबाश, करो करो कोशिश शाबाश। टू पुट समवंस बैकअप का मतलब क्या, किसी को फ्लैटर करना, चापलूसी करना, करो करो शाबाश। टू इरिटेट, किसी को इरिटेट करना मेरे भाई, इसका आंसर क्या, टू इरिटेट, ना कि किसी की मदद करना, ना कि किसी को धोखा देना, इरिटेट करना, इरिटेट करना। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। बी लाइक चौक एंड चीज, इसका मतलब क्या बताओ। बी लाइक चौक एंड चीज, मेरे भाई चौक एंड चीज के जैसे होना, बताओ शाबाश इसका मतलब क्या है। चौक एंड चीज के जैसे होना इसका मतलब क्या, जल्दी बताओ इसका मतलब क्या है। चौक एंड चीज के जैसे होना इसका मतलब क्या है बताओ। अकेला होना, अमीर होना, धोखेबाज होना, या बिल्कुल अलग होना, बताओ। इनका मीनिंग मैंने बता दिया है, बी एब्सोल्युटली लोनली अकेला होना, बी एब्सोल्युटली रिच अमीर होना, बी एब्सोल्युटली डिसेप्टिव धोखेबाज होना, या बी एब्सोल्युटली डिफरेंट अलग होना, बताओ शाबाश क्या होगा बताओ। देखो मेरे भाई, चौक एक अलग चीज है, चीज एक अलग चीज है, चीज एक अलग चीज है ना, चीज एक अलग चीज है, कहने का मतलब ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, अगर अलग अलग चीजें हैं तो मेरे भाई बी एब्सोल्युटली डिफरेंट होगा, बी एब्सोल्युटली डिफरेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी एब्सोल्युटली डिफरेंट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। चार्ली हॉर्स का मतलब क्या होता बताओ शाबाश। चार्ली हॉर्स इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, चलो आंसर करो। चार्ली हॉर्स का मतलब क्या होगा, जल्दी बताओ शाबाश। वेरी फास्ट, लक्की, क्रैम्प, या कनिंग, बताओ शाबाश। कनिंग का मतलब मैं बता देता हूं, धूर्त होता, क्राफ्टी, धोखेबाज जिसको आप बोल सकते हो, क्राफ्टी बोल सकते हो, ठीक है, क्राफ्टी, कनिंग। चलो चार्ले हॉर्स का मतलब क्या बताओ शाबाश। एक चार्ले नाम का इंसान था, उसके पास एक घोड़ा था, वो घोड़ा क्या था ना, चलो स्टोरी बाद में बताऊंगा, पहले एक बार आप लोग आंसर करो क्या होगा, चलो करो। वेरी फास्ट, बहुत तेज होना, लकी होना, या क्रैम्प, ध्यान देना मेरे भाई। चार्ली नाम का एक लड़का था, उसके पास जो घोड़ा था ना, इंसान था मतलब, उसके पास जो घोड़ा था ना चार्ली के पास में, उसके
मतलब कि क्रैम्प आ रखा था, क्रैम्प तो समझते होगे ना, फिर भी वो मतलब अपना काम करता था, देख लो घोड़ा इतना जबरदस्त था, क्रैम्प आ गया था फिर भी अपना काम करता था। मेरे भाई इसका मतलब क्रैम्प होता है, इसका मतलब क्या होता है, क्रैम्प होता है, क्रैम्प, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, गेट अवे का मतलब क्या होता है, बताओ शाबाश, गेट अवे का मतलब क्या होता है, गेट अवे, गो अवे, इसका मतलब क्या, जल्दी बताओ शाबाश, गेट अवे का मतलब किसी को इक्वल करना, टू फॉल ऑफ कहीं पे गिर जाना, टू विजिट विजिट करना, या टू लीव चले जाना, बताओ शाबाश क्या होगा, गेट अवे का मतलब क्या होता, अवे, अवे बोले तो दूर, दूरी होगी, इसका मतलब आपने किसी एक जगह को छोड़ के उससे दूर चले गए। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा टू लीव, छोड़ देना, इसका मतलब टू लीव होगा, टू लीव होगा, आई बात समझ में। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, बिटवीन साइक्ला एंड चार, क्या नाम है, चेरी बडीज, बिटवीन साइला एंड चेरी बडीज, नाम भी इतने खतरनाक खतरनाक है मेरे भाई। चलो बताओ शाबाश, आंसर करने की कोशिश करो। अब एक बात देखो मेरे भाई, चलो एक बार आप लोग आंसर करने की कोशिश करो, फिर बताता हूं, आप लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे शाबाश, बिटवीन साइला एंड चेरी बडोज, बताओ शाबाश क्या होगा, चेरी बडीज, चेरी बडीज, साइला, साला, बताओ, देखो नाम ही खतरनाक है मेरे भाई, तो इंसान भी खतरनाक हो गए, सिंपल सी बात है, नाम खतरनाक तो इंसान भी खतरनाक, इन दोनों का आप डेंजर बोलो, डेंजर का मतलब खतरा बोलो, डेंजर बोले तो खतरा बोलो, तो यानी कि ये दोनों खतरा है। अब खतरा कहां पे है मेरे भाई, खतरा कहां पे है, ये रहा, बिटवीन टू डेंजर्स, बिटवीन टू डेंजर्स, दो खतरों के बीच में होना, दो खतरों के बीच में होना, इधर कुआ उधर खाई, उस टाइप से। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, हैव अ लॉन्ग फेस, हैव अ लॉन्ग फेस, इसका मतलब क्या है, बताओ शाबाश, हैव अ लॉन्ग फेस का मतलब क्या है, बताओ शाबाश क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर करेंगे, हैव अ लॉन्ग फेस का मतलब क्या होगा, जल्दी बताओ शाबाश, हैव अ लॉन्ग फेस, क्या लुक अनहैप्पी होना मेरे भाई, पुल अ लॉन्ग फेस हो चाहे हैव अ लॉन्ग फेस हो, उसका मतलब क्या होता है, अनहैप्पी होता है, अनहैप्पी करवाया था ना, पुल अ लॉन्ग फेस आया था ना, तो इसका मतलब क्या होगा, अनहैप्पी होगा, अनहैप्पी। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, मेरे भाई दोनों संसार का जो बेस्ट है ना, वो कहने का मतलब एक इंसान है, वो दोनों पार्टीज की तरफ से बेस्ट है, बताओ इसका मतलब क्या होगा, बताओ, चलो आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 37, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, दोनों ही संसार का बेस्ट, इसका मतलब क्या है, क्या द बेस्ट प्रैक्टिस इन बोथ, दोनों में अच्छी प्रैक्टिस है, एंशियंट टाइम और प्रेजेंट टाइम में, नहीं भैया प्रैक्टिस की कोई बात ही नहीं है, द बेस्ट पीपल ऑन अर्थ एंड इन हेवन, स्वर्ग में और जमीन पे, अर्थ पे बेस्ट पर्सन नहीं भैया, एन एडवांटेजियस सिचुएशन फ्रॉम टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम, एक ही टाइम पे मेरे भाई दो अलग अलग सिचुएशन से, दो अलग अलग चीजों से, दोनों से फायदा उठाना, दोनों से फायदा मिलना, एक तीर से दो निशाने करना, उस टाइप से हो जाएगा। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, अप इन आर्म्स, क्वेश्चन नंबर 38, अप इन आर्म्स का मतलब क्या होता है, बताओ शाबाश, अप इन आर्म्स का मतलब क्या होगा, जल्दी बताओ, इन रेबेलियन, रेबेलियन का मतलब होता है मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, अरे जैसे हमारी कोई मांग नहीं मानता है तो हम वो हिंसा नहीं करने लग जाते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, द्रोह, पता नहीं क्या होता है, इन रेबेलियन का मतलब होता है, प्यारे बच्चे मतलब मैं समझाने चाह रहा हूं, समझ जाना, रेबेलियन का मतलब ये है कि कहीं पे हम जो है ना वो कर रहे हैं, देखो अभी माइंड में नहीं आ रहा, जैसे हमारी कोई मांग मनवानी है हमें, तो हम अप द आर्म्स नहीं करते हैं, ये जिंदाबाद मुर्दाबाद इस टाइप से करते हैं, काले झंडे दिखाते हैं, तो अप होती है, आर्म्स अप नहीं हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है, रेबेलियन होता है मेरे भाई, ध्यान देना, रेबेलियन होता है, रेबेलियन होता है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, कट स्ट्रेट टू द चेज, कट स्ट्रेट टू द चेज, इसका मतलब क्या, जल्दी बताओ शाबाश, कट स्ट्रेट टू द चेज, बताओ शाबाश क्या होगा, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चलो आंसर करो, कट स्ट्रेट टू द चेज, जैसे मान लो आपको ए पॉइंट से सी पॉइंट तक पहुंचना है, सी पॉइंट यहां है, अब बी पॉइंट यहां है, ठीक है ना, तो अब आप एक बात मेरे को बताओ कि ए से बी जाओगे, बी से सी जाओगे, या ए से डायरेक्ट सी जाना चाहोगे, ए से डायरेक्ट सी जाना चाहेंगे ना, तो इसका मतलब क्या है,
आपने डायरेक्ट चेंज कर दी, डायरेक्ट चेंज कर दी, तो इसका मतलब क्या है? अलाउ टू इंट्रोड्यूस एन इंपॉर्टेंट पार्ट को इंट्रोड्यूस करवाना, नहीं भैया, अवॉइड अननेसेसरी इंट्रोडक्शन एंड गो टू द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट, बी इज द करेक्ट आंसर, बी वाले सारे के सारे सही हो। चलो क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या होगा बताओ शाबाश। एक मैन है, वो मैन ऑफ लेटर्स है, इसका मतलब क्या है? अ मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर्स इसका मतलब क्या? डांसर होना, स्कॉलर होना, सिंगर होना या एक्टर होना, बताओ शाबाश क्या होगा? मैन ऑफ लेटर्स बताओ, मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या होगा? डांसर, स्कॉलर, सिंगर या एक्टर, बताओ शाबाश, बताओ बताओ। देखो भाई, लेटर है ना, पढ़े लिखे से रिलेटेड होंगे, लेटर कहां से रिलेटेड होंगे? पढ़े लिखे से, और मेरे भाई ने में से पढ़ा लिखा विद्वान एक ही वर्ड होगा, स्कॉलर, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, जंप द गन का मतलब क्या होता है? जंप द गन, चलो बताओ शाबाश, जंप द गन का मतलब क्या होगा बताओ? जंप द गन, स्टार्ट डूइंग टू सून और एक्ट हैस्टली, मेरे भाई किसी चीज को बहुत जल्दबाजी में शुरू कर देना है ना, जल्दी शुरू करना, बताओ शाबाश। वॉच अ पर्सन केयरफुली, बताओ, किसी इंसान को ध्यान से देखना। देयर इज ऑलवेज अ कॉस्ट टू डू समथिंग, कुछ करना है तो खर्चा होगा। इंटेंशनली रेज अ फॉल्स अलार्म, फॉल्स अलार्म बजाना, शाबाश बताओ शाबाश, आसान सा क्वेश्चन, चलो आंसर करो मेरे भाई। जंप द गन, एकदम से टूट पड़ना, एकदम से बंदूक देखी टूट पड़ा, इसका मतलब क्या है? स्टार्ट समथिंग टू सून, बहुत ज्यादा जल्दबाजी करना बहुत ज्यादा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब क्या होता है? चलो बताओ, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब क्या होगा बताओ शाबाश। चिप है वो ओल्ड ब्लॉक की है, इसका मतलब क्या है बताओ शाबाश, बताओ। Someone who resembles their parent, someone who makes the right decision, someone who tries to escape from their parents, या someone who spoils others enjoyment, बताओ शाबाश क्या होगा मेरे भाई। ये तो जब हम पेरेंट्स से कोई चीज आती है ना औलाद के अंदर, तो उसको बोला जाता है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, यानी कि जो, जैसे कहते हैं ना कि आपकी शकल तो आपके पिताजी में मिल रही है, मम्मी में मिल रही है, भाई में मिल रही है, ऐसे करके, तो उसको बोला जाता है, अच्छा मम्मी मतलब मम्मी पापा में मिलनी चाहिए, पेरेंट्स में मिलनी चाहिए बस, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक बोला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, टू बाइट द बुलेट का मतलब क्या होगा बताओ शाबाश। टू बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है? और लाइक कर दो मेरे भाई सारे प्यारे बच्चे, साल का आखिरी दिन है तो लाइक नहीं करोगे क्या? लाइक कर दो भाई, और कल से नए जोश में आना सबको, कल से नए जोश में आना। मैं बार बार हमेशा बोलता हूं, कभी भी किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना कि कोई देख रहा कि नहीं देख रहा, नहीं भाई, अपने लिए पढ़ना बस, ठीक है। तो कल से इस चीज को अप्लाई करना, कल से एक नए जोश में आना, और जो भी जैसे कल से प्रैक्टिस सेट होगा, जैसे डेली अपना चलता है, आज तो संडे था इस वजह से मैं इडियम्स ले आया, ठीक है, कल सोमवार है और अच्छा दिन है, नए साल की शुरुआत है मेरे भाई, तो प्रैक्टिस सेट मैं करवाऊंगा कल जोरों शोरों से, पूरा प्रैक्टिस सेट करेंगे मन लगा के, और फिर डेली पूरी रूटीन उसी रूटीन में चलेंगे जब तक कामयाब नहीं हो जाएंगे, ठीक है। चलो, टू बाइट द बुलेट का मतलब क्या है? अब बुलेट है, मान लो कोई गोली चलाई, किसी ने गोली चलाई और उसको आपने काट दिया, उसको आपने काट दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? टू बी ब्रेव इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में ब्रेव होना, डिफिकल्ट सिचुएशन में ब्रेव होना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, अपसेट द एप्पल कार्ट का मतलब क्या होगा भाई बताओ? अपसेट द एप्पल कार्ट का मतलब क्या होगा? अब कोई इंसान था, वो कार्ट लेके जा रहा था, टोकरी लेके जा रहा था, उसकी टोकरी में सेब थी, आपने क्या किया? उसकी सेबों से भरी टोकरी को गिरा दिया मेरे भाई, तो क्या कर दिया आपने बताओ? क्या कर दिया बेचारा? पता नहीं क्या करने की सोच रहा था ना, सारा का सारा प्लान आपने बर्बाद कर दिया, यानी कि स्पॉइल केयरफुल प्लान्स मेरे भाई, बेचारे ने जो प्लान बनाया था वो सारे के सारे प्लान आपने बर्बाद कर दिए, बर्बाद कर दिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, चलो आंसर करो, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होगा बताओ? और बिल्कुल इजी है मेरे भाई, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, चलो आंसर करो शाबाश। वंस इन अ ब्लू मून बताओ, ब्लू स्काई होगा, ऑन अ फुल मून लाइट होगा, या वेरी रेयरली, वेरी रेयरली का मतलब होता है ना के बराबर, कभी कभार, चांद का वो क्या कहते हैं, ईद का चांद हो रखा है, ऐसे नहीं कहते जब हम अपने यार दोस्त बहुत दिनों में मिलते हैं तो ऐसे कहते हैं ना, अरे यार तू तो बड़ा ईद का चांद हो रखा है, इसका मतलब
वेरी रेयरली होता है, वेरी रेयरली, वेरी रेयरली। ठीक है, चलिए लास्ट के पांच क्वेश्चन और बच गए मेरे भाई, आखिरी के पांच क्वेश्चन और। सेशन को लाइक जरूर कर दे जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया। चलो चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 46, पांच के पांच सही करने हैं, लास्ट के पांच में से पांच के पांच देखते हैं किसके सही मिलते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, चाइल्ड्स प्ले 46, चाइल्ड्स प्ले बच्चों का खेल, इसका मतलब क्या बताओ शाबाश, बच्चों का खेल इसका मतलब क्या है, बच्चों का खेल बताओ। एन इजी टास्क क्रिकेट आर रेस्ट्रिक्टेड प्लेग्राउंड या चाइल्ड चिल्ड्रंस ड्रामा, बच्चों का ड्रामा बताओ तो शाबाश क्या होगा। चाइल्ड्स प्ले का मतलब क्या होगा सर, सिंपल सा है, इजी टास्क होगा, इजी टास्क होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, स्नेल स्पेस का मतलब क्या होगा, स्नेल स्पेस जल्दी बताओ शाबाश, क्वेश्चन नंबर 47 स्नेल स्पेस का मतलब क्या होगा बताओ, स्नेल स्पेस का मतलब क्या होगा। स्नेल स्पेस, स्नेल्स है ना एक जीव होता है जिसको मेरे ख्याल से हिंदी में घेंगा बोलते हैं शायद, तो पता नहीं, पता शायद घेंगा बोलते हैं, वो बहुत स्लो चलता है, पता है वो बहुत ही स्लो चलता है, वो समुद्र के किनारे पाया जाता है, बहुत स्लो चलता है, बहुत स्लो चलता है, तो इसका मतलब क्या होगा मेरे भाई, वेरी स्लो, वेरी स्लो, बी वाले सारे के सारे इसी हो। चलो क्वेश्चन नंबर 48 सॉरी, द मूवर्स एंड शेकर्स, द मूवर्स एंड शेकर्स इसका मतलब क्या बताओ शाबाश, क्वेश्चन नंबर 48 करो, फिर 49 और फिर 50 भाई, ठीक है फिर मेरी बाय बाय टाटा हो जाएगी 2023 से, फिर 2024 में ही मिलेंगे, फिर हम 2024 में मिलेंगे। ठीक है चलो बताओ, द मूवर्स एंड शेकर्स का मतलब क्या है बताओ शाबाश। देखो मूवर्स एंड शेकर्स का मतलब यह है कि मेरे भाई किसी के, इंसान के पास इतनी पावर होना कि उसकी वजह से कुछ भी चीज मूव हो सकती है, कुछ भी चीज हिल सकती है, यानी कि उसके पास में पावर है, जिसके पास में पावर है वो किसी भी चीज को हिला सकता है मेरे भाई, किसी भी चीज को मूव कर सकता है ना। तो मेरे भाई पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस, जिसके पास पावर है और इन्फ्लुएंस है ना, गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, स्ट्रेन एवरी नर्व, स्ट्रेन एवरी नर्व, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 49 स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब क्या होगा जल्दी बताओ शाबाश, स्ट्रेन एवरी नर्व बताओ, हर एक नर्व्स टटोलना, हर एक नर्व्स टटोलना इसका मतलब क्या है, हर एक नर्व्स टटोलना इसका मतलब क्या है, टू हैव इल हेल्थ मेरे भाई, बीमार होना, फिजिकल पेन होना, या टू ट्राई एक्सट्रीमली हार्ड टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना, सिंपल सी बात है, हर एक नर्व्स टटोलनी मेरे भाई, इसका मतलब टू ट्राई एक्सट्रीमली हार्ड टू डू समथिंग होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, ऑप्शंस चॉइस का मतलब क्या होगा बताओ, ऑप्शंस चॉइस का मतलब क्या होगा जल्दी बताओ शाबाश, क्वेश्चन नंबर 50 ऑप्शन चॉइस और आज का लास्ट क्वेश्चन, चलिए बताएंगे सारे प्यारे बच्चे ऑप्शन चॉइस का मतलब क्या होता है, चलिए बताओ, टू चूज द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन चुनना, टू चूज द वर्स्ट ऑप्शन, बेकार ऑप्शन चुनना, या अ चॉइस फोर्स्ड अपॉन समवन, मेरे भाई एक ऐसी चॉइस जो आप पे थोप दी जाती है बताओ, बताओ शाबाश। होब्सन नाम का पता है एक इंसान था, वो घोड़े रेंट पे देता था, वो घोड़े रेंट पे देता था, जैसे मान लो कोई लोग जाते थे उसके पास घोड़ा लेने और रेस में उस घोड़े को लेके चले जाते थे। अब किसी घोड़े ने मान लो अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया तो वो बंदा सोचेगा कि मैं तो अगली बार भी इसी घोड़े को लेके आऊंगा रेंट पे। लेकिन हॉब्सन क्या करता था ना, वो अपनी मर्जी से घोड़ा देता था, सामने वाले की मर्जी से नहीं। तो इसका मतलब एक ऐसी चॉइस थी, वो थोप दी जाती थी कि भाई ये ही मिलेगा तुझे, ले जाना तो ले जा, नहीं तो रहने दे, तो जबरदस्ती वाला। तो ये था आज का प्रैक्टिस अरविंद भाई। अब जल्दी से बताओ आप लोगों का 50 में से स्कोर कितना रहा, और मेरे प्यारे बच्चे जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया सारे प्यारे बच्चे सेशन को लाइक जरूर कर देंगे। और मेरे भाई अब मैंने बार बार बोला ना कि 2023 आज खत्म हो रहा है, कल से नया साल लगने वाला है, तो मेरे भाई अब कल मिलेंगे नए मोड में, नए जोश में और नए जुनून में। ठीक है, तो अपने टारगेट जो मैंने बताया ना कि लिस्ट बनाना कि 2023 में आपको क्या क्या पा लेना चाहिए था, क्या क्या आपने पाया नहीं, ठीक है, और दूसरी लिस्ट बनानी है कि 2024 में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या पाना है। देखो अगर जिंदगी में कुछ करना है तो मेरे भाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं भाई, कल मिलेंगे फिर, ठीक है ना। चलो देखता हूं कौन करेगा ये नहीं करेगा, ध्यान देना जो भी बच्चे जीडी की तैयारी करें उनके लिए फौजी बैच चलाया जा रहा है मेरे भाई, वो भी लाइव और मात्र 399 रुपए में बैच चलाया जा रहा है। ठीक है, ऑफर सीमित समय तक है, तो सारे प्यारे बच्चे जो भी जीडी की तैयारी करते हैं वो इस बैच से जुड़ सकते हैं एसएससी मेकर की ऐप पे। आपके 100% सिलेक्शन के लिए बैच चलाया जा रहा है, लाइव क्लास मिलेंगी, क्लास नोट्स, एक्स्ट्रा फैकल्टी, डाउट सेशन, और सबसे मेन बात सारी क्लासेस आपको एकदम बेसिक से मिलेगी, एसएससी मेकर की ऐप पे मिल जाएगा आपको ये बैच।
रोज रात को 8 बजे प्यारे बच्चे अजय सर की क्लास होती है, एक दिन मैथ्स पढ़ाते, एक दिन रीजनिंग पढ़ाते हैं, एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो डेली रात को 8 बजे इनके साथ में जरूर जुड़ना है। उसके अलावा ये कुछ लिंक है मेरे भाई, ये एसएससी मेकर की ऐप का लिंक है, हर एक बच्चे के मोबाइल में एसएससी मेकर की ऐप जरूर होनी चाहिए, क्योंकि फ्री पीडीएफ वगैरह लगा लो, यूट्यूब क्लास की जो भी पीडीएफ होती है, कोर्सेज वगैरह सारे की सारी चीजें आपको ऐप पे मिलेंगी, ठीक है, तो ऐप तो जरूर होनी चाहिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, फेसबुक पे कर लो, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, और ये आपके अपने परिवार एसएससी मेकर का यूट्यूब का लिंक है, इसको हर जगह हर दोस्त हर मतलब कि जितने भी यार दोस्त आपके पास सब तक फैला दो, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे एक नई सुबह के साथ में, नया साल है कल से और नई सुबह के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को थैंक्स, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करते हुए जाना, कमेंट में जरूर बताना सेशन कैसा लगा, कल मिलेंगे एक नए जोश के साथ में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स, थैंक्स एवरीबॉडी, बाय बाय, राम राम प्यारे बच्चों।